तो मंजिला कहते हैं वाला कि एक ये तरह से 4-5 मंजिला का हुआ करता था। आप यह देख सकते हैं, ये एक मंजिला हुआ, यह दूसरा, यह नहीं तीसरा, भाई लगता है कुछ सर, मंजिल जो है इसका नीचे दब चुका है। तो आइए हम देखते हैं अंदर घुस के क्या है कैसा है। सो और क्या चल रहा है भाई लोग, खैर जो चल रहा हो तो चलता रहेगा, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं नवरत्नगढ़, जो कि सिसई के अगल बगल है। तो गाइस हम वहीं जाने वाले हैं फिलहाल। तो हमारे साथ हमारे दोस्त लोग हैं, सारे इधर गाड़ी में बैठे हुए हैं। कुछ कुछ लोग हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। निशांत ब्रो हाय कर दे। फिर हमारा इधर जक्की भाई, और इधर हमारे हैवी ड्राइवर सोनू, और इधर है ये तेले जिसको शैतान के नाम से जानते फ्री फायर वाले, और ये है क्या जी डीजे, ये डीजे भाई। और उधर उसको तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग ब्लॉग में देख चुके ऑलरेडी। तो गाइस अब देख सकते हैं 70 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से। तो चलिए आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे जाना होता है वहाँ। ये बंदा बहुत एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए, हमको 2 दिन पहले से बोल रहा है कि जब हम बताए इसको तो ये बोल रहा है कि भाई भैया हम भी जाएंगे कर रहा है। फिर बाकी ये बंदा ये भी उसी दिन से मेरे को फोन कर रहा था, तो फाइनली आज सबकी ख्वाहिशें पूरी हो रही है और साथ में आपको भी हम दर्शन कराएंगे वहाँ का। तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइस यहाँ से ये जो है अभी हम पहुँचे हुए हैं टोकन। टोकन से आपको जो लेफ्ट लेना पड़ेगा इस रास्ता में, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो ये रास्ता शॉर्ट पड़ता है, मरचाओ की भी आप जा सकते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं ये गरई होते हुए। तो गाइस यहाँ से आपको जो है राइट लेना पड़ेगा, यहाँ दो रास्ता गया, उधर आप बाया जाएगा तो ये बानो की ओर ले जाता है, और ये जो दाहिना है ये आपको सीधे कमडरा निकालेगा। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं कमडरा। यहाँ से हमें लेफ्ट लेना पड़ेगा, और लेफ्ट लेके आपको सीधे जाना है। आज फिलहाल हम गाड़ी में तेल डला लेते हैं। मेरा हालत खराब है ब्रो। इसका हालत खराब हो गया, इसका भी हालत खराब हो गया। हम लोग गाड़ी देख सकते हैं, और इस गाड़ी में हम लोग टोटल जो है 7 लोग जा रहे हैं। आज के डेट में पेट्रोल का रेट चल रहा है 98 रुपया 89 पैसा। फिलहाल हम लोग थे लोंगागढ़ा पेट्रोल पंप में, और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधे नवरत्नगढ़ के लिए। अभी आगे से हम लोगों को राइट लेना पड़ेगा, इधर ही आगे कहीं से। तो फिलहाल हम चलते हैं। आज हम निकल चुके हैं पेट्रोल वेट्रोल भरा के, अब हम सीधे बसिया से जो हम जो है राइट लेना पड़ेगा। हम लोग हैवी ड्राइवर सोनू भाई, आपको जो है अगर कहीं बुकिंग वुकिंग चाहिए तो ये बुकिंग में भी जाते हैं, इनसे संपर्क कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम इनका फ़ोन नंबर दे देंगे। यहाँ से और 30 किलोमीटर है बस, यहाँ से आपको जो राइट मोड़ के 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, फिर से रास्ते पे जाना पड़ेगा सिसई रोड में। हम कुछ खा लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ताज़ा ताज़ा माल बना हुआ है, समोसा पकौड़ी जलेबी, और इधर ये माल पौआ। चाट बनाते भैया, क्या खाना है? पकौड़ी खाएंगे, पकौड़ी दीजिए। क्या क्या खाएगा तुम लोग? बड़ा कचरी ना, हमारे भी ड्राइवर ने कहा था, ये बोल रहा था कि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चल। तो सोनू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लग रहा है कुछ नया जगह जा रहे देखने को। और एक बार तेज है, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। इधर जब आप इधर से गुजरे तो यहाँ जरूर आप
नाश्ता करने के लिए रुके। आपको पकौड़ी नहीं हुई, कचरी बारा दीजिएगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? बबलू कंसारी। बबलू कंसारी, इधर साहब आइएगा तो यहाँ रुक के थोड़ा नाश्ता पानी कर लीजिएगा। पहुँचने वाले हैं, बस कुछ ही दूरी पर है, फिर जो है आपके सामने एक ऐसा जगह होगा जो कि झारखंड के एक ऐतिहासिक जगह है। तो गाइस हम आपको सीधे मिलते हैं उसी जगह पे और आपको जो है वहाँ के बारे में हम कुछ बातें बताएंगे, स्टोरी बताएंगे गाइस। तो आप वीडियो में बने रहिए। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं नवरत्नगढ़, जो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सब तरफ ये किला इधर भरा हुआ है। तो हमारे सारे दोस्त लोग हम फिलहाल उतर चुके हैं गाड़ी से और हमने गाड़ी इधर पार्क कर रखी है अपना। अब हम आपको दिखाएंगे इधर आगे का सारा नज़ारा, हर एक किला का हम आपको नज़ारा दिखाएंगे यहाँ का। ये जो है एक ऐतिहासिक स्थल है झारखंड का, नागवंशी राजाओं का जो है यहाँ पे पहले राज्य हुआ करता था। हर एक किला दिखाएंगे और जो है किला दिखाते हुए जो है हम आपको यहाँ के बारे आप स्टोरी आपको बताएंगे कि कैसा है, क्या है, कब बना था, क्या नहीं, किसने बनवाया था, सारा चीज़ हम आपको जो है यहाँ का नज़ारा दिखाते हुए ही जो है कि हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। तो गाइस आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है एक किला, मेन किला हम आपको बाद में दिखाएंगे, तो हम अंदर घुस कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ना पूरा यहाँ पे मिट्टी भर चुका है बहुत पहले, शायद मेरे ख्याल से जब यहाँ पे ये हुआ करता था तब आप सोच सकते हैं कितना मस्त था होगा। तो फिलहाल तो यहाँ मिट्टी भर चुका है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं ये पूरा मिट्टी में दब चुका है अभी फिलहाल, तो चलिए हम आगे चलते हैं। हम जाने वाले हैं यहाँ खुदाई चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ जो है आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा थोड़ा अवशेष जो है पहले का बाहर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये भी ज़मीन के अंदर दबा हुआ था, लेकिन जो है अभी इससे जो खुदाई करके जो है बाहर निकाल दिया गया है। और इधर हम इधर घुस के देखते हैं कि क्या है। भाई साहब ये है एक हवेली, इधर भी और इधर तो यही बाहर हम इधर से आए थे। इधर क्या कुछ तहखाना था क्या यहाँ पे? यहाँ चूल्हा था, यहाँ किचन रूम था होगा ये लगता है मेरे ख्याल से। चलो आगे चलते हैं। बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा मतलब राजमहल हुआ करता था, देख सकते हैं ये सब पूरा ये जमीन में दबा हुआ था, लेकिन जो है खुदाई करके जो है इसको इतना जो है यहाँ का अवशेष आप देख सकते हैं, इतना दिख रहा है, बहुत बड़ा एरिया में ये फैला हुआ है। ये 27 एकड़ में जो ये फैला हुआ है, ये जो साम्राज्य बना था। अच्छा आपका नाम क्या हुआ अंकल? बुधनाथ। बुधनाथ, ये हमारे बुधनाथ अंकल है, यही हमको जो है आज यहाँ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या है क्या नहीं है। देख सकते हैं ये जो है ना यहाँ का मतलब मेन किला कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ये बिल्कुल बीचों बीच में है शायद मेरे ख्याल से, और आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो यही किला जो है आपको देखने को मिलता है। तो हम आपको इसके अंदर का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो भाई लोग चलो हम आगे चलते हैं, थोड़ा अंदर घुस के देखते हैं कैसा है। तो कहते हैं कि ये 4-5 मंजिला का हुआ करता था, आप यह देख सकते हैं ये 1 मंजिला हुआ या दूसरा या तीसरा, लगता है कुछ मंजिल जो है इसका नीचे दब चुका है। तो आइए हम देखते हैं अंदर घुस के क्या है कैसा है। देख सकते इधर यहाँ कुछ इस तरीके से है, कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया था इसको, बिना छड़ का बिना छड़ का भी इसमें छड़ वड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
देखिए आप ऊपर पिलर भी नहीं है ना, पिलर ना कुछ, ये ईंटों से बनाया गया मेरे ख्याल से लग रहा है। यहाँ देख सकते ईंट और पत्थर और सीमेंट, पता नहीं किस चीज़ का इस्तेमाल किया, कौन सा मटेरियल। अब इधर से हम आपको दिखाते हैं यहाँ आपको कितना मंजिला का है। आप देखिए ऊपर से, ये होगा एक मंजिल, ये होगा दूसरी मंजिल और ये होगी तीसरी, और इससे नीचे भी शायद हमको लगता है कि नीचे भी कुछ पार्ट इसका दब गया है ज़मीन में। हम थोड़ा करते हैं कोशिश यहाँ अंदर जाने का, यहाँ से हम झुक झुक के हमको घुसना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ का अंदर का नजारा, बिल्कुल खतरनाक टाइप लग रहा है। निशांत कैसा लग रहा है? नौ तल्ला का था, नौ तल्ला का नवरत्न गढ़ नाम में बोल रहा है। अंकल कितना ये कितना मंजिल लगा था, थोड़ा बताइए इसके बारे में। इसका 9 मंजिल का ये बिल्डिंग था, लकड़ी अभी भी है, अच्छा। एक दो है, बाकी सबको निकाल दिया गया है। अच्छा। और हम लोग जब छोटे थे उस टाइम आते थे यहाँ घूमने के लिए आते थे, नवरत्न गढ़ बोलते। अच्छा, आप यहीं के हैं? यहीं के जट्टी टोली का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अंकल बता रहे कि ये 9 मंजिल का हुआ करता था, जब ये लोग छोटे थे तब यहाँ ये लोग आया करते थे, तो इनको अच्छी तरह पता है कि ये कितना मंजिल का था। तो ये बता रहे कि ये टोटल जो ये जो महल है ये 9 मंजिल का था, लेकिन नीचे से दादा दब गया नीचे। हाँ, दब रहे आप कल दब रहे। हम लोग जब छोटे थे तो दौड़ के घूमते थे, दरवाजे से निकलते थे और चलते थे, दौड़ते दौड़ते फिर छीटते थे, लेकिन घूमने के लिए दूसरे कोई आएगा, फिर लकड़ी सारे निकाल दिए, उसके बाद में कोई चढ़ नहीं पड़ता है। अच्छा, पहले इसमें चढ़ने के लिए भी था कोई? चढ़ने के लिए पीछे साइड से है सीढ़ी। अच्छा, अभी तो नहीं चढ़ सकते? चढ़ सकते क्या? चढ़ सकेंगे तो एक ही लकड़ी पर चढ़ेंगे, उसके बाद में लकड़ी है नहीं तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। फिर बताइए ना किस कैसे चढ़ना होता है। लकड़ी था ना, ये अंकल हमें बता रहे हैं यहाँ के बारे में, ये यहाँ के लोकल निवासी हैं। अच्छा, गुलाई में बना हुआ है, महल के तरफ बहुत अच्छा है। यहाँ से इसमें चढ़ना पड़ता है, इधर ऊपर चढ़ते थे और ऊपर चढ़ते थे, फिर कमरे में आना, इस कमरे से दूसरे कमरे जाना, फिर ऊपरले कमरे में, फिर भाई ऐसे ही है पेड़ी। अच्छा अच्छा, सीढ़ी बना हुआ इधर ऊपर? हाँ, तो यहीं से चढ़ते थे। तो यहीं से चढ़ना पड़ेगा ना, चढ़ सकते हैं ना? हाँ चढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर नहीं जा पाएंगे ना, उधर तो नहीं है चढ़ने के लिए। चढ़ने के लिए नहीं है, लकड़ी निकाल दिए ना, सारी लकड़ी निकल गया। अच्छा अच्छा, ये जो लगा हुआ है अभी भी है लकड़ी? हाँ हाँ, वो वाला ना, वो वाला लकड़ी सारे में था पूरा। तो उसे आप लोग चढ़ रहे थे उधर ऊपर? ऊपर से चढ़ना, तो फिर वहाँ से घूम के दूसरे तरफ दरवाजे में जाना, वहाँ से फिर चढ़ना ऊपर को। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते चढ़ के देखते हैं। यही इसी तक ही चढ़ पाएंगे, यहाँ जो बच्चे लोग गए थे अभी उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। अच्छा अच्छा, अंकल हम लोग को पता है कि ये जो किला बना है ये 1239 ईस्वी में बना है। भाई लोग भी आए हुए घूमने के लिए। भाई लोग कहाँ से हो तुम लोग? अच्छा, ये लोग बगल वाले गांव से ही है ना। हाँ, पसीना से हालत खराब हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग चलते नीचे हमारे भाई साहब उधर चले गए हैं, चले आइए, नहीं जाएंगे उधर, उधर तो जाने नहीं लगे जाके, चल आगे चलते हैं। भाप रहा यार यहाँ पूरा, बहुत ज्यादा भाप रहा है। यहाँ हाथी के लिए आने जाने के लिए रास्ता ये है, ये वाला अंकल बता रहे कि ये हाथियों के लिए जो आने जाने का रास्ता था। इसका मेन किला तो वही जो आप पहले बताए वही है ना, को रानी लुकवेर बोलते हैं। भाई हमारा अच्छा वाला चुतिया कट चुका है यहाँ पे,
बेहद खूबसूरत जगह भी ये खूबसूरत लगता है देखने में। जब तब कैसा हुआ करता था आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यार गाइस वीडियो हो चुकी थी काफ़ी लंबा, इसलिए मत पिया अगर तुम खंबा। टेंशन वेंशन क्यों लेते हो गाइस, जब हम डालेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट तब तुम देखना बन के सोले का सांभा। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी थी काफ़ी लंबा, 37 मिनट का जो टोटल ये वीडियो बना था, तो इसलिए हमने सोचा कि इसे क्यों ना दो पार्ट में इसे यूट्यूब पर डाला जाए। तो ये हमारा ये पहला पार्ट है और इसके बाद जो है कि हम नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्द लाएंगे। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि हम वो वीडियो हम कब डालें इसका सेकेंड पार्ट। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गाइस आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और जो है कि सबसे मेन बात की गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर दो यार, हम इसी तरह की वीडियो जो है आप दिन ब दिन हम लाते रहेंगे। हर संडे जो आपको ये व्लॉग देखने को मिलेगा। और जो है कि गाइस वीडियो को दबा के शेयर कर दो गाइस, दबा के ओके। और जो है कि हम अभी और भी जगह जाएंगे और आपको जो है वहां के बारे में इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा एंटरटेन कराएंगे। तो गाइस इसलिए जो है वीडियो में बने रहिए। आपको पसंद आई हमारी वीडियो तो डू लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो क्या बोले, और तो कुछ नहीं बोलना, बस इतना ही बोलना था कि सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय गाइज।